2021 में महाशिवरात्रि पर बन रहा है बेहद शुभ योग। 11 मार्च को बरसेगी भोले की कृपा। ग्रहों की चाल दे रही हैं शुभ संकेत। पूजा करते समय बरतनी होगी ये सावधानियां। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। महाशिवरात्रि के पर्व को हमारे बड़े पर्वों में से एक माना जाता है। इसे शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है और ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए जो भक्तजन है महाशिवरात्रि के पर्व को भगवान शिव और पार्वती की शादी की सालगिरह के रूप में भी मनाते हैं। महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत पावन और अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन शिव भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बार जो है महाशिवरात्रि का जो पर्व है 11 मार्च को बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है। इस दिन कुंभ राशि में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध चार ग्रहों का संचरण होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ रहा है। इस रात ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि मानव तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर होता है। अतः योगी, साधक, भगत शरीर को सीधी स्थिति में रखते हैं और सारी रात सोते नहीं हैं, जागरण करते हैं। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का जो पूजन है वो निशीत काल में करना अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। हालांकि भक्तजन जो है रात्रि के चारों प्रहरों में अपनी सुविधा अनुसार पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो रात्रि का आठवां पहर है, आठवां जो मुहूर्त है, इसे निशीत काल कहा जाता है। इस बार 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि का जो निशीत काल पूजा मुहूर्त है वो रात 12:06:41 से लेकर 12:55:14 तक है, यानी कुल 48 मिनट तक निशीत काल पूजा मुहूर्त है। जबकि महाशिवरात्रि पारणा मुहूर्त जो है वो 6:36:06 से लेकर के 12 मार्च को 3:04:32 तक है। कुंडली टीवी के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि आती है इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। हिंदू धर्म में तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको सृष्टि की रचना और विनाश अर्थात संचालन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इन तीनों ही देवताओं को एक साथ त्रिदेव की उपाधि दी गई है। शंकर या महादेव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। इन्हें देवों का देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है, इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं तथा पुत्री अशोक सुंदरी है। शंकर जी को संहार का देवता भी कहा गया है। शंकर जी सौम्य और रुद्र रूप दोनों के लिए जाने जाते हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और परलय दोनों का अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि इनके भक्त हुए हैं। भगवान शिव मनुष्य, राक्षस, देवता सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि काल के दौरान मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आग धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। साथ ही शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करना इस दिन चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है और विशेष फल मिलता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ योग में आ रहा है, लिहाजा सभी राशियों पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। कुंभ राशि में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध का संचरण होने, धनिष्ठा नक्षत्र होने से
इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है। आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।